both papers have the same design that you will have a set of eight questions the first question will have five parts and it will all, all be compulsory then there will be second third and fourth question and then fifth sixth fifth question will be compulsory all five parts sixth seventh eighth will be uh, among options so if we look at it you know say paper one design of the paper डिजाइन ऑफ द पेपर जो हमने देखा पिछले कुछ सालों से यूपीएससी को यू नो वॉट वी हैव सीन यूपीएससी डूइंग इन द पास्ट फ्यू ईयर इज दैट अगेन यू विल हैव क्वेश्चन नंबर वन पार्ट्स ए बी सी डी ई एंड दिस विल बी टेन मार्क्स ईच यू नो कंपल्सरी यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ दै

ये फिफ्टी मार्क्स ईच होते हैं फिफ्टी मार्क्स ईच फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स इच बट ये तुम्हें सारे अटेम्प्ट नहीं करने यू डोंट हैव टू ऑल ऑफ़ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सिमिलरली यू कैन अगेन देर इज फिफ्टी मार्क्स दैट दे अटैच टू ईची तो जो यूपीएससी डिमांड करता है आपसे What UPSC says is that you have to attempt these two compulsorily, and among these six that you see, among these six that you have, the, the, the course material requires us to cover any three, any three, with at least one from each section, at least one from each section. ये उनका तरीका होता है आपको पूछने का दैट टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट आउट ऑफ दिस सिक्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री बट वन शुड बी देयर फ्रॉम ईच सेक्शन सो दिस साइड दैट आई हैव रिटर्न फॉर यू दिस इज योर सेक्शन ए एंड दिस साइड फाइव सिक्स सेवन एट इज योर सेक्शन बी सो सेक्शन ए इज वन टू थ्री फोर सेक्शन बी इज फाइव सिक्स सेवन एट वन एंड फाइव कंपलसरी है ये तुम्हें लिखना ही है आंसर पांच के पांच क्वेश्चन के टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट इनमें से कोई तीन आंसर करने हैं एनी थ्री हैव टू बी आंसर्ड विध एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन तो अगर तो आप दो चूज कर लिए यहां से तो तीनों ये नहीं लिख सकते यू कैन राइट ऑल द थ्री हेयर यू विल हैव यू कैन चूज एट मोस्ट टू एंड देन वन फ्रॉम हेयर और इफ यू हैव चोजन टू हेयर देन यू विल हैव टू चूज वन फ्रॉम है इस तरह से आपको अपना पेपर डिजाइन करना है तो इफेक्टिवली पेपर कितने का हो गया फिफ्टी मार्क्स क्वेश्चन वन 50 मार्क्स क्वेश्चन फाइव एंड देन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स फॉर दीज थ्री क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन वन 50 मार्क्स क्वेश्चन फाइव ये कंपल्सरी है तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सरी हैं एंड देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू टू क्वेश्चन नंबर एट यू कैन चूज एनी थ्री

Uh, लेकिन ये याद रखिए दैट ऐसा कुछ उन्होंने कंपल्सरीली कहा नहीं है दे हैव नॉट सेट दैट दे के नॉट आस्क माइक्रो दिस साइड और दे नॉट आस्क इंटरनेशनल इको दिस साइड इन फ्यू ऑफ द दे हैव डन इट दे हैव इंटरनेशनल इको इन सेक्शन ए एंड दे हैव इन सेक्शन बी सो इट्स नॉट दैट दे हैव गिवन अ फुल प्रूफ थिंग कि नहीं भाई हम तो नहीं पूछेंगे आपसे कुछ भी uh, इसके अलावा नहीं ऐसा नहीं कर रहे वो प्लस वेन इट कम्स टू मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस सो मनी एंड बैंकिंग And public finance questions. Now you know, initially there was a system 2017, till 2017. I see a trend that they kept asking this mostly money banking in section A and public finance in section B. I saw this happening. But in the last two, three years they have started changing it. So now you can see questions from these two in section A or section B, depending on where UPSC wants to fit it in. तो so, दोनों ही सेक्शन में यहां से क्वेश्चन होते हैं सो माइक्रो मैक्रो नॉर्मली इन सेक्शन ए इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी मोस्टली इन सेक्शन बी बट मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस इट कैन बी इन सेक्शन ए और इट कैन बी इन सेक्शन बी इट कैन बी एनी वे दैट दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन सो so, आपको प्रिपेयर रखना है खुद को कि mentally, that is, कि आप ये सोच के मत जाओ दैट माई क्वेश्चन हैज टू बी फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्लेस वो कहीं भी हो सकता है तो मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस तो बिल्कुल ही कहीं भी हो सकता है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस यू मे सी इट इन सेक्शन ए यू मे सी इट इन सेक्शन बी बट माइक्रो माइक्रो नॉर्मली वी हैव सीन द मास्किंग इट इन सेक्शन ए एंड मनी बैंक इंटरनेशनल इकनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट थियोरी मेनली इन सेक्शन बी